नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और जापान के बीच से एक बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर आ रही है, क्योंकि जापान हमारा बहुत ही अच्छा मित्र देश है। अगर हमारा मित्र देश अगर हमारे लिए कुछ भी गलत करेगा तो बनी हुई बात है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वो चिंता का विषय होगा, क्योंकि जापान से हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे हैं। जापान हमारा क्लोज एलाई है, बिजनेस पार्टनर है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि पूरी खबर है क्या, जिससे भारत को और जापान के रिश्ते के बीच में कुछ दरारें आ सकती हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। तो दोस्तों, अभी G7 की समिट संपन्न हुई है, वहां पर भारत को बुलाया गया था, भारत को एज ए गेस्ट बुलाया गया था, और जापान G7 का मेंबर कंट्री है। तो वहाँ पर जब भारत जब उपस्थित था, तो वहीं पर जापान के एक बहुत ही सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने ये बोला कि जापान इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाने जा रहा है और ये बहुत ही जल्दी इम्पोज कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों, ये समझ में आना चाहिए कि जापान हमारे ऊपर सैंक्शन आखिर लगाने क्यों जा रहा है, और क्या सिर्फ हमारे ऊपर लगाने जा रहा है या कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर जापान सैंक्शन लगाने जा रहा है, और क्या जापान ने इससे पहले भी हमारे ऊपर कभी सैंक्शन लगाया है या नहीं लगाया है। तो आइए दोस्तों समझते हैं। तो दोस्तों, दरअसल जापान भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने इसलिए जा रहा है क्योंकि भारत की कुछ कंपनियां हैं जो रसिया के साथ बिजनेस कर रही हैं और रसिया को मटेरियल की सप्लाई कर रही हैं, और उस मटेरियल की सप्लाई होने के बाद रशिया उन चीज़ों का इस्तेमाल युद्ध में भी कर रहा है। ये दोस्तों जापान का ऐसा कहना है। अब दोस्तों, हालांकि भारत ने उसका जवाब भी दे दिया है, भारत ने जवाब ये दिया है कि भारत किसी भी तरह का यूनिलैटरल यानी कि एक तरफा सैंक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये भारत ने कहा है। हालांकि भारत जापान के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हम नहीं ख़राब करना चाहते हैं, और जापान की भी ये पता नहीं क्या मजबूरी है जो जापान ने ऐसा किया है। अब दोस्तों, ये समझते हैं कि जापान क्या सिर्फ इंडिया के ऊपर ही सैंक्शन लगाया है या और भी कंट्रीज़ हैं। तो दोस्तों, और भी कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर सैंक्शन लगाया है, जैसे कि चाइना, इंडिया, UAE, इसके बाद उज्बेकिस्तान, ये तो उसने लगा दिए हैं इन देशों की कुछ कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनी हैं जो पाइपलाइन में उस सैंक्शन लगाने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि कजाकिस्तान। अच्छा दोस्तों, अब ये समझते हैं कि ये जैसे सैंक्शन लगा देंगे तो इससे आखिर में नुकसान किसका होगा। दरअसल दोस्तों, इससे नुकसान भारत का नहीं है, ना ही अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले जापान ने लगाया नहीं भारत के ऊपर सैंक्शन। इससे पहले 1998 में जब हमारा पोखरण वाला इंसिडेंस हुआ था, तब जापान ने भारत के ऊपर सैंक्शन को लगाया था, हालांकि उसके बाद उसने वो हटा लिया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि पहली बार लग रहा है, पहले भी लगा चुका है। अब ये कि अब जो सैंक्शन लगेंगे इससे भारत को क्या कोई बहुत बड़ा नुकसान है? नहीं दोस्तों, इससे नुकसान जापान को ही होने वाला है। जापान को नुकसान इसलिए होने वाला है क्योंकि जापान की बहुत ज़्यादा भारत में इन्वेस्टमेंट है, तो इससे जब पैसा जापान का ही लगा हुआ है हमारे देश में, तो बनी हुई बात है इससे ब्लॉक होता है पैसा जापान का ही, जापान को ही नुकसान है सबसे ज़्यादा, हमारा इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा दोस्तों, लेकिन फ़र्क जो पड़ेगा वो सिर्फ हमारे और जापान के रिश्तों के बीच में पड़ेगा। दोस्तों, एक चीज़ और भी समझना चाहिए, जापान ने ये जो भी सैंक्शन लगाने के बारे में सोचा है, ये US के दबाव में सोचा है। और दोस्तों, दो तरफ अगर देखें तो एक तरफ तो जापान क्वाड का मेंबर है, और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो भारत क्वाड का भी मेंबर है और ब्रिक्स का भी मेंबर है। भारत हमेशा अपने रिश्ते दोनों तरफ बैलेंस बना कर चलता है, ये नहीं कि हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा है या हमारे किसी से दुश्मनी है, ऐसा हम किसी के साथ नहीं करते, हम सभी जगह मेंबर बन के रहते हैं। क्वाड में जापान भारत का मेंबर है, क्वाड का मेंबर है जापान, और इंडिया भी है, और USA है, और ऑस्ट्रेलिया है, ये चार क्वाड के मेंबर हैं। सोचिए, क्वाड का मेंबर होने के बाद USA की बात सुन ली जापान ने और हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए। लेकिन भारत का सिंपल सा कहना है कि हम क्वाड के भी मेंबर रहेंगे और साथ में हम ब्रिक्स के भी मेंबर रहेंगे। ब्रिक्स में अगर देखा जाए तो चाइना है, रसिया है, भारत है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में है, बाकी इसके और भी मेंबर हैं। अगर दोस्तों इसी तरह हम भारत के लोग कभी भी हम किसी का पक्ष नहीं लेते, हम गुटनिरपेक्ष वाली चीज़ें नहीं करते, हम किसी की साइड नहीं लेते, हम जो भी चीज़ होती है हम बैलेंस बना कर चलते हैं, हम दोनों देशों के साथ अच्छे रिश्ते
रखते हैं, भले वो दो देश आपस में अच्छे रिश्ते रखते हों या ना रखते हों। जैसे हमारे पैलेस्टाइन के साथ भी अच्छे रिलेशन है, साथ में इज़राइल के साथ भी अच्छे रिलेशन है, हमारे रिश्ते रसिया के साथ भी अच्छे हैं, हमारे रिश्ते यूएसए के साथ भी अच्छे हैं, हालांकि हमारे रिश्ते जापान के साथ भी कोई बुरे नहीं हैं, अच्छे रिश्ते हैं, जापान हमारा एलाई है, क्लोज एलाई है। तो दोस्तों भारत की ये पॉलिसी, हम किसी का पक्ष नहीं लेके चलते, हालांकि जापान को इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए कि जापान ये जो कर रहा है ये शायद ठीक नहीं है, क्योंकि भारत और जापान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, भारत और जापान हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। तो दोस्तों ये तो थी अभी तक की न्यूज़, अब इस पर क्या अपडेटेड चीज़ आती है, अगर कुछ ऐसा कुछ आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।